चलो बात करते हैं एक्सपेंडिंग स्कोप ऑफ राइट्स। तो अब चैप्टर की शुरुआत ही हम लोगों ने की थी राइट्स के सिग्निफिकेंस की चर्चा करके, नहीं अधिकारों के महत्व के बारे में चर्चा करके। अब ज़्यादातर जो चैप्टर का हिस्सा है उसमें हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स पे ही फोकस किया है। अब ये सोच सकते हैं कि फंडामेंटल राइट जो संविधान में दिए गए हैं यही कुछ अधिकार हैं जो नागरिकों के पास हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो हमारे अधिकारों का सोर्स है, ठीक है, लेकिन हमारा संविधान जो है और हमारा कानून जो है वो और भी बहुत सारे राइट्स ऑफर करता है। सालों साल दर साल जो है हमारे राइट्स का जो दायरा है, हमारे अधिकारों का दायरा जो है वो एक्सपेंड हुआ है, बढ़ा है। कभी कभी जो है ये जो है लीगल राइट्स के दायरे के फैलाव के रूप में आता है जो कि नागरिक एंजॉय कर सकते हैं। समय समय पर जो है कोर्ट ने भी जजमेंट दिया है स्कोप राइट ऑफ स्कोप्स को विस्तृत करते हुए। कुछ राइट्स जैसे कि राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस है, या राइट टू इंफॉर्मेशन, या राइट टू एजुकेशन, ये सब जो है फंडामेंटल राइट से डिराइव किए गए हैं। अब स्कूल एजुकेशन जो है वो भारतीय नागरिकों का एक अधिकार बन गया है, दायरा बढ़ा ना। अब गवर्नमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है कि वो जो है सभी बच्चों को 14 साल की उम्र तक के सभी बच्चों को जो है फ्री में कंपलसरी एजुकेशन, फ्री और आवश्यक शिक्षा पक्का देगी, तो देना ही देना है उसको। पार्लियामेंट ने जो है एक कानून बना दिया है जिसके तहत नागरिकों के पास जो है राइट टू इंफॉर्मेशन दिया गया है, RTI एक्ट, जिसके तहत अब आप जो है किसी से भी जो है जानकारी मांग सकते हैं। ये एक्ट जो है वो फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन जो है उसके तहत बनाया गया है। तो अब जो है हम किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस से कोई भी जानकारी जो है डिमांड कर सकते हैं। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने जो है राइट टू लाइफ के मीनिंग को एक्सपेंड करते हुए इसमें राइट टू फूड को भी शामिल कर दिया, तो मतलब कि भोजन का अधिकार भी जो है वो हमारे राइट टू लाइफ का हिस्सा हो गया। तो क्या हो गया, पहले के बने हुए राइट को एक्सपेंड कर दिया गया। तो सारे राइट्स जो हैं, राइट्स जो हमारे हैं वो सिर्फ फंडामेंटल संविधान में दिए हुए फंडामेंटल राइट्स तक ही सीमित नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो और भी बहुत सारे राइट्स प्रोवाइड करता है जो कि फंडामेंटल राइट का हिस्सा ना हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल राइट टू प्रॉपर्टी जो है ये फंडामेंटल राइट नहीं है, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ये संवैधानिक अधिकार है हमारा। राइट टू वोट जो है ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, फंडामेंटल नहीं है। कभी कभी एक्सपेंशन जो होता है राइट्स वगैरह का वो ह्यूमन राइट्स के तौर पर होता है, ठीक है। ये जो है यूनिवर्सल मोरल क्लेम्स हैं, ठीक है, जिसके कि कानूनी वैधता हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो इस सेंस में ये क्लेम्स जो हैं ये कह सकते हो कि जो डिफाइंड जो लॉ का जो डेफिनेशन हम लोगों ने देखा है या राइट का जो डेफिनेशन हमने देखा है उससे मैच नहीं करता है, ठीक है। अब दुनिया का मान लीजिए कि जैसे जैसे डेमोक्रेसी का विस्तार पूरी दुनिया में हो रहा है, सरकारों के ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है कि इन क्लेम्स को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये जो एक्सपेंडेड क्लेम है राइट्स का, जो कि मान लीजिए कि मोरल लेवल पर जो है सही है जो क्लेम, तो ऐसे क्लेम को भी इंक्लूड करने का जो है, या जो ह्यूमन राइट्स के दायरे के अंदर जो आने वाले क्लेम है उनको एक्सेप्ट करने का प्रेशर पड़ता है गवर्नमेंट पर। कुछ जो इंटरनेशनल कोवेनेंट्स हैं उन्होंने भी जो है राइट्स के एक्सपेंशन में कंट्रीब्यूट किया है, ठीक है ना। कह सकते हो कि कोवेनेंट का मतलब हो गया, क्या कह सकते हो आप इसको, विचार कह सकते हो, विश्वास कह सकते हो, प्रैक्टिसेस कह सकते हो। तो जैसे कि इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट्स, तो ये जो इंटरनेशनल कोवेनेंट जो है ये बहुत सारे राइट्स को रिकॉग्नाइज करता है जो कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स का डायरेक्टली हिस्सा नहीं है, ठीक है। और ये जो है इंटरनेशनल ट्रीटी का भी हिस्सा नहीं बना है, लेकिन जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट है पूरी दुनिया के वो इसे जो है ह्यूमन राइट्स के स्टैंडर्ड के तौर पर देखते हैं। फॉर एग्जांपल राइट टू वर्क, कि मतलब सबको जो है काम करके अपने जीवन यापन करने का मौका मिलना चाहिए। राइट टू सेफ एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशंस, फेयर वेजेस दैट कैन प्रोवाइड डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर द वर्कर्स एंड देयर फैमिलीज, सुरक्षित और स्वस्थ काम करने की परिस्थितियाँ और उचित मजदूरी, ताकि काम करने वाला जो है वो अपने और अपने फैमिली के लिए जो है ठीक ठाक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग प्रोवाइड कर सके। इसके अलावा जो है राइट टू एडिक्वेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्लूडिंग एडिक्वेट फूड क्लोथिंग एंड हाउसिंग, मतलब कि पर्याप्त भोजन कपड़ा और घर की व्यवस्था, ये भी बेसिक ह्यूमन राइट्स में माना जाता है इस कोवेनेंट के अंदर। राइट टू सोशल सिक्योरिटी एंड इंश्योरेंस, राइट टू हेल्थ, मेडिकल केयर, राइट टू एजुकेशन, तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें जो हैं जो कि मान लीजिए कि हमारे फंडामेंटल राइट का हिस्सा नहीं है, लेकिन
ये एक वो कह सकते हैं कि ये इंटरनेशनल कवेनेंट का हिस्सा है, जिसको कि बहुत जगह ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट जो है वो ह्यूमन राइट्स का एक बेसिक स्टैंडर्ड मानते हैं। तो इस तरह से मान लो कि राइट्स का जो दायरा है, राइट्स का जो स्कोप है वो बढ़ ही रहा है, नए नए राइट्स जो हैं वो इवॉल्व होते रहे हैं टाइम के साथ। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोग संघर्ष कर रहे हैं और ज़्यादा अधिकार के लिए, राइट। नए अधिकार जो है वो कैसे आते हैं, सोसाइटी डेवलप करती है, नया संविधान बनता है और साथ में नए अधिकार आ जाते हैं। जैसे कि जो संविधान साउथ अफ्रीका का जो संविधान है वो अपने नागरिकों को कई तरह के नए अधिकार देता है, जैसे कि राइट टू प्राइवेसी, ताकि नागरिक या उनके घर जो हैं वो सर्च नहीं किए जा सकते हैं, उनके फ़ोन को टैप नहीं किया जा सकता है, उनके कम्युनिकेशन को जो है खोला नहीं जा सकता है। राइट टू एन एनवायरनमेंट दैट इज़ नॉट हार्मफुल टू देयर हेल्थ और वेल बीइंग, ऐसे एनवायरनमेंट का अधिकार जो कि उनके हेल्थ और उनके वेल बीइंग के लिए नुकसानदेह हो, नुकसानदेह नहीं हो, सॉरी। राइट टू हैव एक्सेस टू एडिक्वेट हाउसिंग, मतलब कि पर्याप्त उपयुक्त जो है घर की व्यवस्था, घर की उपलब्धता जो है वो भी राइट में शामिल किया गया है। और साथ ही राइट टू हैव एक्सेस टू हेल्थ केयर सर्विसेज, सफिशियंट फूड एंड वाटर एंड एवरीथिंग। अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि राइट टू वर्क या राइट टू हेल्थ, राइट टू मिनिमम लाइवलीहुड या राइट टू प्राइवेसी जो है ये फंडामेंटल राइट बनाया जाना चाहिए इंडिया में। अब इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, आप बता सकते हैं। एक्चुअली कुछ केसेस में तो सही बात है, फंडामेंटल राइट होना चाहिए ये। तो खैर चलिए, दैट इज इट फॉर दिस लेसन। अब आप लोग जो है क्वेश्चन आंसर ट्राई करिएगा एंड आई होप इट्स फन फॉर यू। ओके, बाय बाय।